बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं मूंग और मसूर की दाल। इससे पहले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। व्यूअर्स, ये मैंने ऑयल लिया है ये 2 चम्मच और उसमें मैंने 3 अदद प्याज बारीक काट के डाल दिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी यहाँ तक कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। व्यूअर्स, ये 5 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तकरीबन हाफ कप, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दाल, मूंग और मसूर की दाल है मिक्स। ये 1 पाव मैंने ली है, इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इसको भूनूंगी। व्यूअर्स, ये 5 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तकरीबन हाफ कप, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दाल, मूंग और मसूर की दाल है मिक्स। ये 1 पाव मैंने ली है, इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इसको भूनूंगी। जी व्यूअर्स, ये 10 से 15 मिनट हो गए हैं। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग जो हैं वो फ्राई दाल जो है वो पसंद करते हैं भुनी हुई, उसमें पानी नहीं डालते। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेते हैं और बाकी मसाले ऐड कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी ग्रेवी वाली दाल, ठीक है। जो भुनी हुई दाल है उसकी सेपरेट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाली दाल। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अब मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ और मैं इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। ये मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया है।
और ये आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए मैं रख दूँगी। तो व्यूअर्स, मिलते हैं आधे घंटे के बाद। इंशाल्लाह हमारी दाल जो है वो रेडी होगी, तब तक हम अपना कोई और काम कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है, हमारी दाल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अभी मैं 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी इसे। अब मैं इसके साथ ही इसको तड़का लगाने के लिए प्याज को ब्राउन करूंगी। जी व्यूअर्स, अब मैं इसको तड़का लगाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने एक पैन में देसी घी डाला है 4 टेबल स्पून, आप कोई भी ऑयल या घी ले सकते हैं। और जो इसके लिए चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए ये मैंने 2 प्याज बारीक काटे हैं, और ये मिक्स मसाला है, गरम मसाला, जिसमें धनिया, ज़ीरा और दालचीनी मिक्स है। और ये मैंने ली हैं काली मिर्चें, ये 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 बड़ी इलायची और ज़ीरा साबुत। अब मैं इसको डालूंगी ऑयल जो मैंने गरम किया है उसमें, और तड़का लगाऊंगी। ये मैंने प्याज डाल दिया है, अब हम इस प्याज को ब्राउन करेंगे और इसके बाद बाकी जो मसाले वो इसमें मैं ऐड करूंगी। इसके साथ ही मैं ये ऐड कर रही हूँ 5 अदद ग्रीन चिली, इनको भी मैं फ्राई करूँगी थोड़ा सा। और ये बाकी मसाले भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये प्याज हमारे ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं दाल में इसको मिक्स कर दूंगी। जी व्यूअर्स, ये मैंने जो तड़के के लिए प्याज ब्राउन किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना बहुत बहुत